संबल सदर कोतवाली इलाके में मौजूद एक निजी अल्ट्रासाउंड में एक युवक पिछले कई महीनों से मरीजों से नंबर लगाने को लेकर उनसे पैसे ऐंठ लिया करता था और जैसे ही डॉक्टर का आने का टाइम हुआ करता था युवक मौके से फरार हो जाता था। युवक की इस हरकत से अल्ट्रासाउंड में मरीजों का हंगामा रोज होता था। मरीज परेशान हुआ करते हैं। अल्ट्रासाउंड स्टाफ को इस युवक की काफी समय से तलाश थी। गुरुवार को अल्ट्रासाउंड में लगे सीसीटीवी की मदद से युवक को मरीजों से पैसा लेते पकड़ लिया गया। अल्ट्रासाउंड स्टाफ और मरीजों ने पकड़ कर युवक की जमकर धुनाई की। थप्पड़ और बेल्टों की बौछार करते हुए युवक को कोतवाली ले जाकर पुलिस को सौंप दिया गया। उधर अल्ट्रासाउंड संचालक भी कोतवाली पहुंच गए और युवक के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पिछले कई महीनों से हमारे सेंटर पे आ रहा था जो कि आगे समाज रोड पे है और ये हमेशा मॉर्निंग के आवर्स में आता था। 7:30-8 बजे सेंटर खुल जाता है। उसी के बाद 8:30 से इसने अपना वहाँ पे जो भी पेशेंट आया उससे कहा मैं स्टाफ में पैसे मुझे जमा करो और जब कभी इसे कभी 1000 कभी 1500 कभी 1800 कभी 2000 ऐसे पैसे बना लिए उसके बाद गायब हो जाता था। बाय द टाइम हमारे यहाँ 10:30-11 बजे से काम शुरू होता था। भाई अल्ट्रासाउंड का काम है जब तक ब्लैडर फुल नहीं हो जाएगा पेशेंट का अल्ट्रासाउंड के लिए नहीं लिए जाएंगे पेशेंट। तो उस समय तक मरीज को जब ये रियलाइज होता था कि मैं गलत हूँ मैं फंस गया हूँ तब वहाँ फिर बवाल होता था। इससे अननेसेसरली और मरीजों को बड़ी दिक्कतें होती थी। फिर हमने और ज्यादा कैमरे इंस्टॉल कराए। अब ये मेरे को लगता है 20-25-30 दिन बाद करीब दोबारा एक बार दात हुई है थोड़े लंबे टाइम के बाद। ये डॉक्टर सचिन सक्सेना जी हैं यहाँ पर संभल में। इनके क्लिनिक पे पिछले कई दिनों से कोई लड़का आकर मरीजों से पैसा ऐंठ रहा था। ये कहता था कि मैं तुम्हारा नंबर पहले लगवा दूंगा। आज इन लोगों ने मिलकर उसको पकड़ लिया है। अभी पूछताछ की जाएगी और जो लीगल कार्रवाई है वो की जाएगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।